तो इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड की मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री के बारे में। ये कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन नेशन लाओस। लाओस पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कुल मिलाकर 2 मिलियन टन से भी ज्यादा के बॉम्ब्स गिराए थे। डेटा के मुताबिक अमेरिकन यहाँ ऑन एन एवरेज हर 8 मिनट में एक बॉम्ब गिराया था और ये सीक्वेंस लगातार 9 सालों तक जारी रहा। दरअसल वियतनाम वॉर के दौरान लाओस का एक कम्युनिस्ट ग्रुप जिसका नाम पैथेट लाओ था धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा था। ये ग्रुप प्रो वियतनामीज था और वियतनाम से मिलने वाली फंडिंग से ऑपरेट किया जा रहा था। इस ग्रुप के लीडर प्रिंस सोफाउना वोंग अपने ही भाई और लाओस के प्राइम मिनिस्टर सोवाना फोमा के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और इसी प्रो वियतनामीज पैथेट लाओ ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने लाओस पर बॉम्बिंग करने का डिसीजन लिया। 1964 में यूएस एयरफोर्स ने AC-130 और B-52 जैसे प्लेन्स का यूज करके बॉम्बिंग करना स्टार्ट किया जो अगले 9 सालों तक जारी रही। काफी बॉम्ब्स ऐसे थे जो गिरने के बाद भी ब्लास्ट नहीं हुए और इसीलिए आज भी लाओस में उस समय के लाइव बॉम्ब्स मिलना काफी आम बात